अब चले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया क्या कुछ कह रहे हैं बैठक खत्म होने के बाद, आपको सुनाते हैं। काबिल और सक्षम लोग हैं, इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि हमें कहीं उम्मीदवारों की कमी पड़ेगी। पहले से ही बहुत लोग लंबी लंबी कतारें हैं, तो जो पार्टी का जिताऊ और टिकाऊ होगा उस पर दाव लगाएंगे। वैसे यदि किसी की शिकायत जैसी बातें ऐसे ऐसे कई बार आती है, शिकायतें आती हैं, यदि साक्ष मिल जाते हैं शिकायतों पर कार्रवाई होगी कड़ी, क्योंकि कई तरीके की शिकायतें आती है ऐसे समय में भी आ सकती है, तो कोई भी व्यक्ति है। कार्रवाई का मतलब IPC की धारा में कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ जरूर दर्ज होगा। भविष्य में छोटा हो या बड़ा हो उसके खिलाफ किसी भी तरीके की बातचीत आती है, सामान्य तौर पर आती हैं, कुछ सुनी सुनाई होती हैं, कुछ पॉलिटिकल गॉसिप होती हैं, लेकिन कोई प्रमाणिक खबर आएगी तो हम उसको संज्ञान में रखेंगे। और जैसे पिछली बार जिन पार्षदों ने क्रॉस वोट किया उनको हम इन चुनाव में किसी भी तरीके से एंटरटेन नहीं करेंगे, भले ही वो जीतने के काबिल होंगे, लेकिन पार्टी की मर्यादा से बाहर कोई भी जाएगा उसको हम ध्यान में रखेंगे और उसका हिसाब किताब बाद में करेंगे। लेकिन मतलब जब इसके पहले आपकी मीटिंग हुई थी उस बैठक में तो ये बात सामने आई थी, कई विधायकों ने इसका विरोध भी करा था, लेकिन अंदर खाते संगठन के कुछ व्यक्ति चाहते कि उन विधायकों को मिले, क्योंकि सब कुछ क्लियर उन पार्षदों को मिले, क्योंकि सब कुछ क्लियर नाम नहीं हुए थे, केवल संभावनाएं जताई जा रही थी। उन पार्षदों को बिल्कुल नहीं मिलेगी, जिनके बारे में हमारे पास प्रमाण है उनको बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक, थैंक यू।